উত্তরকাশীর সুড়ঙ্গত আবদ্ধ 41 গৰাকী শ্রমিকে সুস্থ, আটাইকে দিয়া হৈছে ঘৰলৈ যোৱাৰ সংকেত। এইমছৰ চিকিৎসকে আটাইকেইগৰাকী শ্রমিকক দিছে সেউজ সংকেত। বৃহস্পতিবাৰে নিশাই দিল্লী বিমানবন্দৰলৈ ৰাওনা হৈছে সকলো শ্রমিক। দিল্লী বিমানবন্দৰৰ পৰা নিজ নিজ ৰাজ্যলৈ ৰাওনা হৈছে শ্রমিকসকল। বিহাৰৰ 5 গৰাকী শ্রমিকক আদৰণি জনাইছে ৰাজ্যখনৰ শ্রমমন্ত্ৰীয়ে। 17 দিনৰ অন্তত সুৰংগৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হল আবদ্ধ 41 গৰাকী শ্রমিকক। উত্তৰ প্ৰদেশৰ 8 উদ্ধাৰকাৰীক মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে সাক্ষাৎ কৰিছে। जो दिक्कत हम लोग को फर्स्ट में 18 घंटा है जो हम लोग कष्ट सहा, उसके बाद में जैसे हम लोग का ऑक्सीजन आने लगा पाइप द्वारा, फिर जो बाहर में जो हम लोग का टीम था उससे बात होने लगा, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को बाहर का सब मोमेंट मालूम चलने लगा। सबसे ज़्यादा तो हम लोग का उत्तराखंड का धामी सरकार जो थे वो हम लोग को बहुत मदद की, हर पल का हम लोग का वो बात करते थे। बहुत बड़ी चैलेंज की बात थी साहब, 17 दिन जो हम लोगों ने, 18 दिन जो हम लोगों ने वहाँ पे कष्ट किया, उसको 18 मिनट में हम तो बता नहीं सकते। फिर भी आप लोगों की दुआ है, सबकी दुआ है कि हम आज यहाँ पे हैं। केंद्र सरकार वहाँ की पुष्कर सिंह, खासकर मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हर समय हमारी सुध ली। और खासकर मेरी बात आप लोगों ने देखी होगी मीडिया के माध्यम से कि प्रधानमंत्री जी से मेरी बात हुई और हमने जो आप बीती बताई, बाकी वहाँ के लोग उत्तराखंड की दिवाली जब हम लोग निकले तब हम लोगों ने देखी कि उत्तराखंड की दिवाली है, बाकी हमारे वैसे उत्तराखंड की दिवाली नहीं मनी थी। बहुत खुशी हुई कि 17 दिन के बाद भाई मेरा घर वापिस आ गया, बहुत खुशी हुई हम लोगों को। उसको आप क्या कहें, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग को बहुत, वो लोग भी बहुत परेशानी झेला हमारे लिए, हमारे सबके लिए निकाल दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और क्या, घर वाले से भी जा कर के मिलेंगे, बहुत बढ़िया लगेगा, सभी लोग अपना फैमिली के साथ रहेंगे, अच्छा लगेगा, धूमधाम से दीपावली भी मनाएंगे, बढ़िया लगेगा हम लोग को। अंदर को कैसा लगेगा, फंसे हुए थे, यही सोच दिमाग में आ रहा था कि हम लोग पता नहीं निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे। और जब पता चला कि बाहर से काम चल रहा है, हम लोगों ने जब बाहर आ गए हम लोग, इतना अच्छा लगा हम लोगों को कि हाँ चलो, जो भी उत्तराखंड की सरकार थी वो हमारे लिए बहुत कुछ किया और बहुत अच्छा लगा। जी सर, निकल पाएंगे ऐसा लग रहा था, क्योंकि हिम्मत मिलती थी ना हम लोगों को, जैसे जितने लोग भी थे हम लोग 41 लोग, सब लोग एकजुट थे, एक मुट्ठी थे, सब लोग एक दूसरे को हिम्मत देते थे कि चिंता मत करो, जिंदा है तो जिंदा ही सेफली निकलेंगे बाहर। 12 নৱেম্বৰত তেওঁলোক আবদ্ধ হৈছিল। 12 নৱেম্বৰৰ সেই দিনটোৰ পৰা উদ্ধাৰ কাৰ্য তীব্ৰতৰ কৰি বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মেচিন অনা হৈছিল। সুৰংগ খন্দাৰ পাছত শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকক উদ্ধাৰৰ বাবে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে। দেশবাসীৰ প্ৰাৰ্থনা নিবদ্ধ হৈ আছিল, দেশবাসীয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল আৰু তাৰ পাছত 41 গৰাকী শ্ৰমিক সম্পূৰ্ণ সুস্থ, পৰিয়ালৰ সৈতে তেওঁলোকে লগ হৈছে। 8খন ৰাজ্যৰ 41 গৰাকী শ্রমিক তাত আবদ্ধ হৈ আছে। প্ৰতিখন ৰাজ্য চৰকাৰে, তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰীয়ে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকক আদৰিছে, তেওঁলোকক স্বাগতম জনাইছে। ৰাজ্যখনে কিমান সুখ পাইছিল তেওঁলোকৰ বাবে সেই কথা ব্যক্ত কৰিছে। আৰু উত্তৰাখণ্ড ৰাজ্যৰ, তেওঁলোকে দীপাৱলী পতা নাছিল আৰু তেওঁলোকক উদ্ধাৰৰ পাছত সেই আৱতৰীয়া দীপাৱলী সকলোৱে একেলগে উদযাপন কৰিলে, পৰিয়ালৰ সৈতে সকলো একলগ হৈছে। এয়া আনন্দময় পৰিৱেশৰ এক সৃষ্টি হৈছে। দিল্লী বিমানবন্দৰৰ পৰা সকলোকে নিজ নিজ ৰাজ্যলৈ যাবলৈ সেউজ সংকেত দিছে এই মুহূৰ্তত এইমছৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ দলে।